greetings of the day to all of you and my name is लीना महाजन। मेरे YouTube videos cooking के ऊपर बनाए गए, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ cooking कीजिए और new dishes try कीजिए। तो हम इसमें पूरन पोली बनाने के लिए गेहूं का आटा लेंगे, उसमें थोड़ा नमक ऐड कर देंगे, पानी डालिए, उसको अच्छे से मिला लीजिए और उसको मसाज करते रहिए। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, इतना स्टिकी होना चाहिए आपका पूरन पोली का रोटी। तो हमने कनिक मल ली है और तवे को रख दिया है हमने गरम करने के लिए, और मैं रेडी हूँ पूरन पोली बनाने के लिए। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम आई मेक इट। तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। इसको एक्चुअली एक चाली बोलते हैं, इसमें दो चाली भी होता है, जिससे आप मीन्स दो पूरी जैसा बनाएंगे और फिर उसके अंदर स्टफ रखेंगे, यानी कि सारन ऐड करेंगे और फिर उसको दोनों को चिपका देंगे और फिर लाटेंगे। बट हम इसमें इजी तरीके से कर रहे हैं। इसको आप वाटी की तरह गोल गोल कर लीजिए, देखिए कुछ इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ। गोल करने के बाद आप इसमें सारन ऐड कर लीजिए, जो हम लोग ने बनाया था दाल और गुड़ डाल के। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरे आई बटन पे शो हो रहा होगा, आप देख लीजिए। और मैंने इसको मोदक की तरह बना लिया है। इसको हम अभी टैप कर देंगे फ्लावर में, यानी कि आटे में, देखिए कुछ इस तरह। इसको लाट लीजिए। और टिप नंबर वन, जब आप इसको लाटेंगे तो साइड साइड से लाटे, ना कि बीच में से। टिप नंबर टू, इसको हल्के हाथों से लाटे, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए कुछ इस तरह। मैं भी फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ, सो आप भी घर पे ट्राई करके देखिए। देखिए मेरी पूरन पोली का शेप, देखिए गोल तो नहीं बना है बट अंडे का शेप जरूर बना है। देखिए मैंने आपको पूरी पूरन पोली लाट के दिखा दी है कैसे आपको करना है। हमारा तावा गर्म हो चुका है, डाल दीजिए उसमें। फ्लेम हाई कर दीजिएगा। टिप नंबर थ्री, इसको अच्छी तरह से एक साइड से पक ले लीजिएगा, क्योंकि इसको टाइम लगता है पकने में। हम इसमें घी लगा देंगे। घी लगा दीजिए अच्छी तरह से। टिप नंबर थ्री, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ध्यान रखिए, नहीं तो ऑयल या घी उड़ सकते हैं। और आप घी की जगह पे ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और दोनों साइड घी अप्लाई करना जैसे मैं कर रही हूँ कुछ इस तरह। इसको भी उल्टा कर दीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है हमारी पूरन पोली। इजी और आसान तरीके से हम लोग ने ये डिश बना दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आपको अगर आपको टिप्स और ट्रिक्स नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं सॉल्यूशन आपको दूंगी। एंड वेट फॉर माई लेटेस्ट वीडियो एंड गेट अपडेटेड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।